हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के 10 स्वाभाविक नियम, रिटन बाय H.W. स्मिथ। स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन, कि एक सफल व्यक्ति कौन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड, और वह कैसे अपना जीवन जीता है, किन नियमों को अपनाता है अपने जीवन में जिससे वह सफलता प्राप्त करता है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे वन बाय वन, एक एक स्टेप चढ़कर, धीरे धीरे मेहनत कर हम कैसे इन 10 नियमों को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन जो ये आपके सामने स्मिथ के द्वारा लिखे हुए जो ये 10 नियम हैं, इनको अगर हम बांटें तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहले जो 5 नियम हैं वो हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे, बाय फोकसिंग ऑन इवेंट कंट्रोल। इवेंट कंट्रोल पर फोकस करते हुए हमें कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में हम इसके नियम 1 से 5 में जानेंगे। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, नियम नंबर 5 से लेकर 10 तक, वो हमें ये बताता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज करें, कैसे हम अपने जो जीवन है उसको जिए जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें, एक सफल जीवन जिए जिसमें हमें इनर पीस प्राप्त हो, आंतरिक शांति का अनुभव हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो नेचुरल लॉज जिनकी बात की गई है, तो ये नेचुरल लॉज हैं क्या। देखिए, नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। प्राकृतिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो उसी गुरुत्वाकर्षण की तरह ये कैसे हैं, प्रकृति और जीवन के मूलभूत प्रतिमान है, फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। दे डिस्क्राइब्स थिंग्स एज दे रियली आर, एज अपोज टू हाउ वी थिंक दे आर और हाउ वी विश दे आर। और ये जो नियम हैं, ये चीज़ों को, वस्तुओं को वैसे ही वर्णित करते हैं, वैसा ही उन्हें बताते हैं जैसा कि वे वास्तविकता में हैं, न कि जैसा कि हम सोचते हैं और या जैसा कि हम विश करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि उनको होना चाहिए। कहने का मतलब है, ये जो प्राकृतिक नियम हैं, ये वैसे ही हैं, जो रियल में जैसी चीज़ें होती हैं ये वैसा ही उन्हें बताते हैं। ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते कि हम क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए चीज़ों को, या हमारे अकॉर्डिंग हमारी समझ क्या है कि वो कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether we agree with them or not, these laws ultimately govern our life and operate independent of our awareness or wishes. और भले ही हम इनसे सहमत हों या ना हों, ये जो नियम हैं यही at last क्या करते हैं, हमारे जीवन को संचालित करते हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं उनसे निरपेक्ष कार्य करते हैं। निरपेक्ष से मतलब क्या है, independent यानी कि बिल्कुल उनसे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मीन्स हमारी इच्छा क्या है, हम क्या सोचते हैं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबेइंग देम कैन हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ अवर लाइव्स, इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप, इंक्रीज अवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। और यदि हम इनका पालन करें, इनके अनुसार चलें, तो उससे क्या होगा, हमें अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने में, हमारे संबंध सुधारने में और हमारी जो व्यक्तिगत प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो उत्पादकता है, कार्य करने की जो क्षमता है, और उसमें उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। और जब हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हम अच्छा काम कर पाएंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, तो क्या होगा, हमें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। तो ये है नेचुरल लॉज कि ये क्वेश्चन बनता है कि नेचुरल लॉज क्या है। तो क्या है नेचुरल लॉज, ये फंडामेंटल पैटर्न्स हैं लाइफ के, ठीक है। अब हम लोग नियम शुरू करेंगे। पहला नियम, लॉ नंबर 1 क्या है, देखिए, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। आप क्या करते हैं,
आप अपने समय पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। मीन्स हमें कितना समय कैसे बिताना है, कहाँ बिताना है, क्या करना है, इससे उसका टाइम को मैनेज करके हम अपने लाइफ को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग अवर लाइफ मीन्स कंट्रोलिंग अवर टाइम, और अपने जीवन पर नियंत्रण रखना अपने समय पर नियंत्रण रखना है। एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट इन अवर लाइफ, और अपने समय पर नियंत्रण रखना उसका क्या मतलब है, अपने जीवन की जो इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। और राइटर हमें एडवाइस दे रहे हैं कि हमें ये जो टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, और किसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, इवेंट कंट्रोल, घटनाओं के पर नियंत्रण के बारे में हमें सोचना शुरू करना चाहिए। टू ऑफन वी थिंक टाइम मैनेजमेंट है समथिंग टू डू विद अवर वॉचेस। कई बार हम क्या सोचते हैं, अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि समय प्रबंधन का हमारी घड़ियों से कुछ संबंध है, घड़ियों से कुछ लेना देना है। मीन्स जो हम लोग करते हैं ना कि एक घंटा हमें ये करना है, 12 से 1 बजे तक ये, 2 से 1 ये, इस तरीके का जो काम है ये, इसको समय प्रबंधन कहते हैं। तो वो बता रहे हैं, द ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। लेकिन घड़ी जो हमें बताती है वह सिर्फ ये कि जो ये सूर्य है उसको आकाश में जो पूरा वो चक्कर लगाता है आकाश का, और या जो कह सकते हैं जो वो अपना प्रकाश फैलाता है पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में, उसमें कितना समय लगता है। एंड दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। और ये एक ऐसी घटना है, कौन सी घटना, सूर्य का जो हम कहते हैं ना सूर्योदय होना, और सूर्योदय होने के साथ में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आसमान में फैलता है, अपनी रोशनी फैलाता है, और लास्ट में जो वो अंत उसका जो अस्त होता है, तो उसमें जो उसको जो भी ये क्रिया, जो पूरी प्रक्रिया चलती है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस घटना पर। द रियल इशू इज व्हाट इवेंट्स कैन आई कंट्रोल। और जो सोचने वाला मुद्दा है, वास्तविक जो विचार करने वाला जो इशू है, विषय है, वो ये है कि हम किन घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, हम किन घटनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ अवर लाइफ मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। क्या कह रहे हैं, और अपने जीवन की घटनाओं के नियंत्रण पर फोकस करना ही सारा अंतर पैदा करता है। कैसा अंतर, कि हमारा जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हम लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, सब किस पर डिपेंड करता है, हमारे इस इवेंट मैनेजमेंट पर, अपनी जो जीवन की जो घटनाएं हैं उन पर कंट्रोल का। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये टाइम मैनेजमेंट क्या है, इवेंट मैनेजमेंट क्या है, कैसे दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए जो इन्होंने ये सूर्य वाला एग्जाम्पल दिया, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि मान लीजिए आप कुछ काम करते हैं, आप शाम को जब अपना काम करके घर वापस लौटते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है आपको, और फिर आपने एक दिन विचार किया कि मुझे घर शाम को जो मैं वापस आता हूँ वो समय पे आ जाना है, मीन्स रात होने से पहले जब उजाला रहे तभी मुझे घर पर वापस आ जाना है। अब क्या होगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक सूर्यदेव के लिए आदेश निकाल दो कि भाई जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ तब तक आपको अंधेरा नहीं करना है, नहीं कर सकते ना। ये जो घटना है कि दिन कब होगा, रात कब होगी, ये एक प्राकृतिक घटना है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और यदि हम ये करना चाहते हैं कि हम टाइम से घर वापस आ जाएं, तो हमको क्या करना होगा, जो हम दिन भर की हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हम बाहर घर से निकलने से पहले करते हैं या जो बाहर जाकर करते हैं, हमें उनको कंट्रोल में करना होगा। हमें अपने कामों को, अपने इवेंट्स को इस तरीके से मैनेज करना होगा कि हम शाम होने से पहले अपना घर, जो भी अपना जो काम है उसको ख़त्म करके घर वापस आ जाएं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो ताकि हम घर से जल्दी निकल सके और शाम को वापस घर भी जल्दी आ पाए, लेकिन हम जो वो घटना है जो सुबह होने की, शाम होने की, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए।
और अगर हमने इवेंट को कंट्रोल कर लिया, अपनी घटनाओं को कंट्रोल कर लिया, तो समय तो अपने आप फिर उसी जो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, वो हो जाएगा कि भाई जब हम अपनी घटनाओं को सही समय पर कर लेंगे, सुबह जल्दी उठ गए और 1 घंटे का ज़्यादा समय मिल गया, वो सब करके हम अपने आप समय पर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट लॉ नंबर 2, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। अब क्या कह रहे हैं, तुम्हारे ये जो प्रबंधन मूल्य हैं, गवर्निंग वैल्यूज जो हैं, यानी कि गवर्निंग मीन्स क्या होता है, जो शासी, जो शासन करती हैं, आपको अपने कंट्रोल में रखती हैं, वैल्यूज जो मूल्य हैं जीवन के, यानी कि जो मूल्य आपके जीवन पर शासन करते हैं, ऐसे जो मूल्य, वो ही आपकी व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि का आधार है। ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये जो मूल्य हैं, प्रबंधन मूल्य जो हैं, इन्हीं के एक मतलब हर व्यक्ति के लाइफ में ना अपने कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें वो मानता है कि हमें इसके अकॉर्डिंग जीवन जीना है, उन्हीं के अनुसार वह जीता है। दीज वैल्यूज आर थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, और ये मूल्य वो चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लियरेस्ट आंसर यू कैन गिव टू दीज क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मूल्य क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें राइटर बता रहे हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए इनके आंसर से। व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज इन माय लाइफ, कि आपके जीवन की सबसे उच्चतम प्राथमिकताएं क्या हैं, एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज विच डू आई वैल्यू मोस्ट, और उनमें से भी वह सबसे ज़्यादा अधिक मूल्यवान मैं किसे मानता हूँ या मानती हूँ। मीन्स लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं मेरे लिए, क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है, हम क्या करना चाहते हैं, और फिर उनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है। इवन दो अवर गवर्निंग वैल्यूज आर अवर हाइएस्ट प्रायोरिटीज, दीज ऑफन एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन दीज आइडियल्स एंड अवर प्रेजेंट रियलिटीज। हालांकि क्या होता है कि जो हमारे ये जो मूल्य हैं, हमारी उच्चतम प्राथमिकता होती है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि इन आदर्शों में ये जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे जो आइडियल्स हैं, आदर्श जो हैं, यानी कि हम जो कुछ जो मान्यताएं हैं, कुछ हमारे विश्वास हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जीना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी वर्तमान की वास्तविकता है, उसमें क्या होता है, अंतर होता है। मीन्स दिमाग से हम सोचते तो कुछ और हैं, वैल्यूज़ तो हमारी कुछ और होती हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं या इस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो रियल लाइफ की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने उन मूल्यों से समझौता करते हैं या उनसे अलग हटकर हम काम करते हैं। अवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज इज नेवर परफेक्ट, और उन मूल्यों से संबंधित जो हमारे कार्य होते हैं, वो कभी कैसे परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन बट एज वी इम्प्रूव वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे अगर हम अपने में सुधार करते जाते हैं, तो फिर जो हमारे मूल्य हैं और जो हम वाकई में कर रहे होते हैं, उनमें धीरे धीरे अंतर जो है वो कम होता जाता है। मीन्स हम जैसा सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उनमें क्या होता है, उन दोनों चीज़ों में अंतर, यानी कि जो हम वास्तविक में कर रहे हैं वास्तविकता में, और जो हम करना चाहते हैं, उनमें का जो बीच का डिफरेंस है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। रूल नंबर 3, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज यू एक्सपीरियंस इनर पीस। अब क्या बता रहे हैं कि पहले हमने घटनाओं पर नियंत्रण देखा नियम 1 में, कि हम प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो हमें अपने जीवन की जो घटनाएं हैं उनको मैनेज करना होगा। और वो कैसे मैनेज होंगी, वैल्यूज़ के आधार पर, कि हमारे जीवन की वैल्यू क्या है, हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमें पहले उन कार्यों को करना होगा,
और जब हमारी जो वैल्यूज़ हैं और जो रियलिटी है, इनका जो अंतर, जब जो डिफरेंस है वो खत्म होता जाएगा, तब क्या होगा फिर? और आपकी जो डेली की जो गतिविधियां हैं, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज़, आपकी जो दैनिक गतिविधियां हैं, जो आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं, उसमें आपकी ये जो गवर्निंग वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं। मींस आप जो कर रहे होते हो और जो मूल्य आपके जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो वैल्यू करती हैं चीज़ें, वही आप कर रहे होते हो, तो फिर क्या होता है? यू एक्सपीरियंस इनर पीस, आपको एक आंतरिक संतुष्टि शांति का अनुभव होता है। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यू, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम। और जब एक बार अपने इस जो आपकी जो ये गवर्निंग वैल्यू है, वो चीज़ें जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हो लाइफ में, जो आपकी लाइफ के सिद्धांत हैं, वैल्यू क्या होता है? वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड और मोटिवेट आवर एक्शंस। मतलब कि जो एक कोई विश्वास या कुछ भी जो आपकी लाइफ में जिसके अकॉर्डिंग, जिन सिद्धांतों पर आप चलते हो, जो आप भविष्य में करना चाहते हो, कि आप क्या बनना चाहते हो, किस तरीके के आपके सिद्धांत हैं, किन पर आप चलना चाहते हो, वो चीज़ें जो हैं, अगर जब आप पहचान लेते हो कि आपकी लाइफ की वैल्यूज़ क्या हैं, तो आपको उस दिशा में कुछ करना चाहिए। योर वैल्यूज़ मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन एज मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल्स। अब क्या करना है कि जब आप ये पहचान लेते हो कि आप क्या करना चाहते हो भविष्य में, या आपकी जो जो मूल्य हैं वो क्या हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उसे लक्ष्य बनाने चाहिए। मीन्स उसको प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे लक्ष्य? एक तो होता है दूरगामी लक्ष्य, और आपको उन लक्ष्यों को क्या करना है, उसको एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए उन लक्ष्यों को जो छोटे, फिर मध्यम और दूरगामी लक्ष्यों के रूप में आपको उसे अभिव्यक्त करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना ये कुछ वैल्यूज़ डिसाइड कर ली, आपको पता चल गया, मान लीजिए आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, आपके अंदर बहुत सेवा भाव है, आपको पता चल गया कि मैं इस दिशा में कुछ करना चाहता हूँ। फिर आपने उससे जुड़ता हुआ एक काम सोचा कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में लोगों के लिए दया है और मैं सेवा भाव करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं एक डॉक्टर बन जाता हूँ। तो ये जो डॉक्टर बनना है, और मान लीजिए आप जो अभी 12th लेवल का स्टूडेंट है, तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म जो आपका लक्ष्य है वो बन गया। लेकिन क्या आप अभी बैठे बैठे सोचने लग जाओ और एकदम से कुछ कि भाई डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, और एकदम से उस लक्ष्य को, उस डायरेक्ट उसी लक्ष्य को पर सिद्धांत बनाकर उसी को पढ़ना शुरू कर दो, क्या प्राप्त कर सकते हो? नहीं। उसके लिए फिर हमें छोटे छोटे बीच का एक इंटरमीडिएट लक्ष्य क्या है, एक जो सबसे स्टार्टिंग गोल सेट करना होगा, फिर एक बीच का गोल सेट करना होगा, फिर वो डॉक्टर वाला। तो क्या सबसे पहले तो हम अपना 12th अच्छे से कर लें, उसके बाद उसके लिए डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई है वो हमारा इंटरमीडिएट लक्ष्य हो गया, बीच का, जिसको हम उससे संबंधित पढ़ाई करेंगे और लास्ट में डॉक्टर बनेंगे, है ना? फिर क्या करना है, एंड विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क दैट विल मूव यू टुवर्ड देयर अचीवमेंट। अब क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक लक्ष्य है जब कि हमें डॉक्टर बनना है, उसके लिए पहले हमें MBBS करना है, और MBBS से पहले हमें इंटर करना है, अपना 12th करना है, और 12th अच्छी तरीके से क्या करना होगा, जो 12th का सिलेबस है वो पढ़ना है। अब वो कैसे, एकदम से तो नहीं पढ़ जाएगा जब एग्ज़ाम होगी, तो हमें उस सिलेबस को डेली रूटीन में लाना होगा। हमें डेली के लिए अपने जो कार्य हैं कि हमें कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर हमें क्या करना है, उसको डेली रूटीन में हमें उसको डिवाइड करना होगा। फिर क्या होगा कि जब एक लक्ष्य होगा हमारे पास कि भाई हमें एक लक्ष्य है, और हमने उसको, अब जब डेली हम पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ इस
के लिए एक लक्ष्य है, ऐसे ही नहीं कि क्यों पढ़ रहे हैं क्या है, लक्ष्य नहीं होता तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता। अभी लक्ष्य है हमारे पास कि हमें इंटर करना है बहुत अच्छे नंबरों से, और वो क्यों करना है, क्योंकि फिर हमें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, वो क्यों करनी है, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। और जब ऐसा हो जाता है, जब आप एक लक्ष्य के साथ में काम करते हो, तो फिर क्या होता है, एज यू कंसंट्रेट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अचीविंग टास्क एंड हैव रियल मीनिंग योर इन योर लाइफ, यू बिकेम मोर प्रोडक्टिव एंड अचीव इनर पीस, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी। अब जब आपके पास में एक लक्ष्य है और आपको पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या कोई भी काम जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है, कोई लक्ष्य है और फिर उससे रिलेटेड आप डेली कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो क्या होगा, आप और अच्छे और एनर्जेटिक होकर काम करोगे। फिर क्या होगा, क्यों करने के लिए, ऑन अचीविंग टास्क, उस कार्य को क्या प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काम करोगे। फिर क्या होगा, और उससे क्या होगा, जब अच्छे से काम करोगे, टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, पूरी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जब आप काम करोगे, तो आप और अधिक प्रोडक्टिव बन जाओगे, यानी कि जो भी आप करोगे उसका और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर क्या होगा, आप इनर पीस यानी कि आंतरिक शांति अनुभव करोगे, और अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी, और क्या आता है, एक उपलब्धि, एक एकता की भावना भी आपके अंदर आती है। अब देखते हैं लॉ नंबर 4। टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स वी हैव। Sometimes we develop mental, emotional, social or psychological comfort zones. These can be much more difficult to leave than our physical comfort zones. Leaving our comfort zones requires effort and commitment. क्या कह रहे हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आपको अपने जो कंफर्ट जोन्स हैं, आराम के जो क्षेत्र हैं, उन्हें त्यागना पड़ेगा। और सिर्फ कंफर्ट जोन्स के बारे में अब वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि बाहरी और जो भौतिक कंफर्ट जोन्स हैं उनको तो समझना बहुत आसान है, बट लेकिन सिर्फ यही नहीं है हमारे जीवन में कि यही आराम के क्षेत्र हैं, कंफर्ट जोन्स हैं, नहीं। कई बार क्या होता है, हम अपने लिए मानसिक, भावात्मक और सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आराम के क्षेत्र भी पैदा कर लेते हैं, और ये जो एक्सटर्नल जो भौतिक जो आराम के जो क्षेत्र हैं उनसे निकलना, उन्हें त्यागना कम कठिन है, जबकि ये जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन जो हम अपने लिए बना लेते हैं, मेंटल कंफर्ट जोन, उससे निकलना कठिन है। और इनसे बाहर निकलने के लिए हमें एफर्ट यानी कि प्रयास करना होता है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, प्रतिबद्धता की, कि हम हमेशा उस पर टिके रहें कि हाँ हमें अपने इस कम्फर्ट जोन से बाहर आना है। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। सबसे पहले, अब ये बार बार वर्ड आ रहा है कम्फर्ट जोन, कम्फर्ट जोन, ये कम्फर्ट जोन है क्या, तभी तो समझ में आएगा कि भाई किससे बाहर निकलना है। कोई कमरा है क्या जिसको खोल के बाहर निकल जाना है ना, तो ऐसा तो नहीं है। तो कंफर्ट जोन क्या है, कंफर्ट जोन एक सिचुएशन है फेयर वन फील सेफ और एट ईज, जहां पर व्यक्ति अपने आप को कैसा कंफर्टेबल महसूस करता है, सेफ महसूस करता है, और आराम की स्थिति जिसे कहते हैं ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फिजिकल भी होता है, फिजिकल से मतलब कि हमें किसी को गर्मी सूट नहीं करती, किसी को सर्दी सूट नहीं करती, कोई अंदर बैठ के काम करना पसंद करता है, कोई बाहर बैठ के पसंद करता है, ये अपने अपने कंफर्ट जोन्स हैं जो एक्सटर्नल हैं, भौतिक हैं। और राइटर कह रहे हैं इनसे निकलना फिर भी आसान है। अभी यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर लिया था कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी है, अब पढ़ाई करने के लिए कठिन परिश्रम भी करना होगा, लेकिन भाई हमारी तो आदत है कि हम गर्मी में नहीं पढ़ सकते, लाइट हमारे यहाँ बहुत जाती है ना, तो क्या होगा, तो
तो क्या हम कर पाएंगे कुछ अगर हम उसी कंफर्ट के जोन में रहेंगे कि भाई जब लाइट होगी और सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी, मौसम अच्छा होगा, हम तभी पढ़ेंगे, तभी हमारे दिमाग में कुछ जाएगा, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वही वो बात करें, लेकिन सिर्फ यही जो भौतिक क्षेत्र जो आराम है, सिर्फ वही अकेला आराम का क्षेत्र नहीं है। राइटर कह रहे हैं उससे निकलना तो फिर भी आसान है कि आपने एक बार थोड़ा सा प्रयास किया तो आप कर सकते हो कि भाई गर्मी में भी पढ़ लो कुछ करना है तो। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन किन आराम क्षेत्रों को त्यागना है? जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं, साइकोलॉजिकली जिनको हम क्रिएट कर लेते हैं, वो कौन से होते हैं? जहाँ पर हम दिमागी रूप से अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि अगर जो हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में किसी से बात करते हैं तो कहीं भी खड़ा कर दो, किसी से भी बात कर लेंगे। अभी वही कहा जाए अगर कि भाई इंग्लिश में बात करनी है तो 100 बार सोचेंगे, बोलें नहीं बोलें, है ना? कोई मिल गया तो अगर वो इंग्लिश में ही बोल रहा है तो क्या होगा, कई हो सकता है कि हम बात ही ना करें, लौट आए, तो वो हमारा एक ड्रॉबैक हो गया ना, कहीं ना कहीं कमी रह गई हम अपने उस कंफर्ट जोन से कि भाई पता नहीं कौन क्या सोचेगा, जो हेजिटेशन थी, संकोच था, हम उससे बाहर नहीं आ पाए। हम अपने उस कंफर्ट जोन से जहाँ पर हम हिंदी बोलने में कंफर्ट फील कर रहे थे, हम उससे बाहर नहीं आ पाए। और राइटर कह रहे हैं कि किसी भी सिग्निफिकेंट गोल को प्राप्त करने के लिए, कुछ भी अच्छा आपने अचीव करने की सोचा है, तो आपको ये जो कंफर्ट जोन्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा उनसे और कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। ये नया ट्राई करना ही कंफर्ट जोन को छोड़ना है, क्योंकि जब आप कुछ नया करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, एंजाइटी होती है, वहाँ पर स्ट्रेस होता है, और यही चीज़ होती है जो मेंटली फेस नहीं करना चाहते हैं, और हम अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं जहाँ पर हम ईज महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। तो कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें उन अपनी जो फिजिकल या मेंटल साइकोलॉजिकल जो कंफर्ट जोन्स हैं उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है और कमिटमेंट की कि हाँ भाई हमें कुछ करना ही है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, डेली प्लानिंग लिवरेज टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस। क्या बता रहे हैं कि ये जो डेली प्लानिंग है, कि जो हम ये रोज का जो समय प्रबंधन करते हैं कि भाई आज हमें ये करना है, पहले हम इसको करेंगे, फिर इस काम को करेंगे और इस नियत समय में करेंगे, इससे क्या होता है, लिवरेज। लिवरेज मीन्स क्या होता है कि प्रभावित करना। किसको प्रभावित करता है ये चीज़, डेली प्लानिंग किसे प्रभावित करती है, समय को, थ्रू इंक्रीज फोकस, अतिरिक्त फोकस के कारण समय को प्रभावित करने की क्षमता होती है। किसमें, दैनिक नियोजन में। मीन्स आप जब डेली प्लानिंग करोगे, आपने सुबह से फिक्स कर लिया कि मैं इतने टाइम में ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, आपकी प्राथमिकताएं निश्चित हैं कि हमें ये काम पहले करना है फिर ये करना है, तो उससे क्या होगा, आपका समय कहीं पर भी फिजूल कार्यों में बर्बाद नहीं होगा और उससे आपका समय प्रभावित होगा, मीन्स आपके पास एक्स्ट्रा समय बच जाएगा। इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। और ये जो एक्टिविटी है डेली प्लानिंग की, इसके लिए थोड़ा सा समय जो है वो निकालना, थोड़े से कुछ क्रियाकलापों पे ये जो समय आप लगा दोगे, बाकी के दिन के में जो समय होता है उसकी आप क्या करता है, बचत करता है। अ डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल, दिस कॉस्ट इट स्मॉल ओनली 10 to 15 minutes डे, बट यू विल एंजॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग। क्या कह रहे हैं, दैनिक नियोजन का जो आपका जो ये रोज का जो आप टाइम टेबल बना लेते हो, रोज सुबह आप एक ये नियोजन करते हो कि हमें आज क्या क्या काम करना है, कौन सी हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे जो समय है उसको संतुलित कर सकता है। कितनी लागत, बहुत छोटी सी है। क्या है लागत, वो ओनली 10 to 15 minutes, सिर्फ 10-15 मिनट। मीन्स 10-15 मिनट लगेंगे आपको आपकी सुबह सुबह अपनी जो कार्य हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनको डिसाइड करने में और ये निश्चित करने में कि हमें कौन कौन से काम करने हैं। लेकिन इससे होगा क्या, दिन भर तो अनेक आपको उससे
लाभ उठाओगे, यानी कि आपके सारे काम जो हैं वो समय पर हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क, जैसे कि स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य, यानी कि जब आपने पहले से सोच के रखा है कि आज मुझे ये काम करना है, मेरी ये प्राथमिकताएं हैं, ये जरूरी काम है, फिर जब आप उनको कर लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होगा कि हमारी ये काम जो है आज फिनिश हो गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। या आप पढ़ रहे हो और आपने फिक्स कर लिया था कि आज हमें इतना पढ़ना है, पहले से आपने सोच लिया था और फिर आपने उसको पढ़ लिया, तो शाम को बाय द एंड ऑफ द डे आपको ये संतुष्टि होगी कि हाँ ये काम इतना हम कर चुके हैं। विथ डेडलाइंस इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट टास्क, लेस टाइम स्पेंट बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे। वही बात वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि समय सीमा के कारण, मीन्स जो आपने एक सुबह सुबह उठ के प्लान कर लिया कि आज मुझे ये काम करने हैं और इतने समय में करने हैं, तो क्या होता है फोकस बढ़ जाता है कार्यों पे। एक तो पहले से ही डिसाइड हो गया कि महत्वपूर्ण क्या है, उसका आपने लिस्ट कर लिया कि भाई सबसे पहले हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना और इतने समय में करना है, तो आपको पता है इस काम के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण काम ये, इसको करना है और इसको करने के लिए मेरे पास बस इतना ही समय है। तो क्या करोगे, आपका फोकस बढ़ जाएगा, पूरी लगन के साथ पूरे ध्यान के साथ उस काम को करोगे। उससे क्या होता है, लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट्स, और फिर उनको करने में क्या होता है समय कम लगता है, क्योंकि आपने पहले से सब कुछ सोचा हुआ होता है। और क्या होता है फिर जब दिन के लास्ट में आपको क्या होता है एक ग्रेटर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, शाम को आपको एक ऐसा लगता है कि बहुत जो एक कोई काम जो पूरा हो जाता है उसकी जो एक अनुभूति होती है वो आपको दिन के अंत में होगी, कि लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ आज मेरा इतना काम खत्म हो गया, तो आप अंदर से संतुष्टि महसूस करोगे, बजाय इसके कि जो एकदम से बिखरा बिखरा सा कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, कुछ डिसाइड ही नहीं है, कहो सोच ही रहे हैं खड़े होके कि करना क्या है, तो वो सब आप बाद में क्या कि क्या हुआ, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, कुछ इसमें से कर लिया कुछ उसमें से कर लिया, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, तो शाम को आप संतुष्ट नहीं रहोगे कि भाई क्या हुआ आज। तो सब बताया है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो 1 से लेकर 5 नंबर तक, ये थे, ये बता रहे थे कि हमें समय को कैसे मैनेज करना है इवेंट कंट्रोल करते हुए, है ना, इवेंट कंट्रोलिंग पर फोकस करते हुए हमने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा कि कैसे हम अपनी घटनाओं को नियंत्रण करके अपने समय पर नियंत्रण पा सकते हैं। आगे के जो 6 नियम हैं इनमें हम देखेंगे हाउ टू मैनेज लाइफ, कि हमें अपने जीवन को कैसे मैनेज करना है, और इन 5 पार्ट्स को हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।